सैयदना आदम और हजरत हव्वा का मिलन हुआ, तौबा कबूल हो गई। सरांदीप के पहाड़ों से फरिश्ते आदम को लेके चले इंडिया से, और उधर जद्दे में हजरत हव्वा थी जनाबे वाला, दोनों का मिलन हुआ अरफा के मैदान में। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। इसीलिए आज तक अरफा में जाना जरूरी है, अरफात में खड़े होना जरूरी है, वो उसी की यादगार है। दोनों की मुलाकात हुई, फिर जनाब एक ने सफा और एक ने मरवा को इख्तियार किया, अल्लाह की तस्बीहें बयान की, और फिर जनाब औलादों का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर औलादों का सिलसिला शुरू हुआ तो जनाब आपस में एक दूसरे की शादियां होने लगी, और ये सिलसिला जनाब बढ़ता चला गया। हजरत मोहतरम इधर वफादार उधर गद्दार, वहीं से वफादारों गद्दारों की लाइन लग गई, दो टोलियां वहीं से शुरू हो गई। ये वफादार है ये गद्दार है, शादियों का ही सिलसिला चलता रहा जनाब वाला। क्या शैतान ने गलत मलत कर दिया, मिसगाइड कर दिया, तरह तरह की शादियां कर दी। हजरत किसी को शादी का तरीका कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, मगर अल्लाह वालों के यहाँ शादियों का वही तरीका था जो अल्लाह के नबियों ने उन्हें बताया था। हजरत आदम से लेकर जनाब वाला ये सिलसिला हजरत इब्राहिम तक आया, और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से लेकर ये सिलसिला हजरत ईसा तक आया, और जनाब वाला ये सिलसिला चलता रहा, और आखिरकार मक्के में रबीउल अव्वल शरीफ को आमिना के लाल पैदा हुए, आमिना के लाल पैदा हुए, रसूल रहमत बन के आए, रसूल इनकलाब बन के आए, जमाने के लिए करार बन के आए, पूरी दुनिया के लिए अमन अमान का पैगाम बन के आए। वो आए जमाने के सरवर और सुल्तान बन के तशरीफ लाए, और फिर जनाबे वाला हाँ हाँ वो आए, हालांकि वो शादियां करने नहीं आए थे, मगर खुदा की कसम उन्हें भी बताया गया कि तुम भी शादी करो ताकि तुम्हारे गुलामों को शादियां करने का तौर तरीका मालूम हो जाए, तुम्हारे गुलामों को पता चल जाए कि शादियां कैसी होती हैं। इसीलिए मुस्तफा ने वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब हजरत बोले माशाल्लाह। जी एक तेरा से ये दो तेरा हो गए, पूरा हो गया, कहो तो थोड़ा सा और ले लूं टाइम आपका। बिल्कुल हजरत बिल्कुल, माए बहनें भी थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो भी सुन ले पीछे को क्या देख रहे हैं। अल्लाह ताला आबाद रखे उन्हें भी, सुन रही है, और इंशाल्लाह अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। और तो किसी की नहीं सुनती है, मगर हमारी तो सुनी रही है, यही बड़ी बात है। अल्लाह कबूल फरमा ले। 25 साल के नबी हो गए, 25 साल आज अखबारों की गलियों में कुत्ते भौंक रहे हैं, अखबारों की गलियों में कुत्ते भौंक रहे हैं, मीडिया के पर्दे पे कुत्ते भौंक रहे हैं। सेक्सी थे, सेक्सी थे, हंसने की बात नहीं, समझने की बात। अरे समझने की बात है, ईमान खत्म हो जाएगा अगर इन बातों पे हंसोगे तो। कुत्ते यहूदी ईसाई हमारे नबी पे इल्जाम लगा रहे हैं, 9 शादियां की उन्होंने, 11 शादियां की उन्होंने, हमारे हुजूर पे इल्जाम लगा रहे हैं। लाइफ ऑफ होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लम को सेक्स से जोड़ने वाले इन कुत्तों को इमरान हनफी जवाब देता है, और उस जवाब को तुम नोट करो ताकि चौराहों पे तुम हुजूर का डिफेंस कर सको। अरे तुम जब फ्रांस में कार्टून छपते हो तो रोड पे आते हो, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद करो या मत करो, मगर दुनिया को कुछ ना कुछ बताओ तो सही, जो दुनिया सवाल कर रही है जवाब भी तो दो। बस हाथ उठाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अबे कुछ जवाब भी तो दो, दुनिया पूछ रही है तुम्हारे नबी पे सेक्स का इल्जाम लगता, बताओ क्या जवाब है। हालांकि हम लगाना चाहें तारीख के हवाले से तो उन पे बहुत इल्जाम है। मुझसे एक बस में पूछा था, एक मैं बस में, तो बहुत दिनों की बात हो गई, बस में बैठा था तो एक ईसाई भी बैठा था, इंग्लिश में गुफ्तगू हो रही थी, मैं जब इंग्लिश में उससे बात कर रहा था तो वो हैरान था, तो मुझसे कहने लगा कि आप थोड़ा सा प्लीज टेल मी अबाउट होली प्रोफेट्स मैरिज, मुझे नबी की शादियों के बारे में बताइए।
नौ शादियां क्यों क्यों? मोहम्मद ने, तो मैंने कहा ओनली नो, नाइन, सिर्फ नो। अवर होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लम मेड ओनली नाइन निकाह, सिर्फ नो निकाह। मगर यू है आपके, योर होली प्रोफेट, आपके होली प्रोफेट सुलेमान, आपके नबी हैं सुलेमान, हालांकि हम भी मानते हैं, लेकिन वो आपके, आप उन्हें बहुत मानते हैं, आपने उनका हैकल सुलेमानी बना रखा है, वो तो आपके थे, हमारे ने तो नौ ही की और तुम्हारे ने कितनी की? अपनी आंखों का सहतीर नजर नहीं आता, दूसरों का तिनका नजर आता है। अरे हम पे ये एतराज करते हैं नौ की तो तुम्हारों ने कितनी की? सुलेमान ने तो 99 की, 99। ये मैं नहीं कहता, कुरान बताता, इन्ना हादा अखी लहू तिस्उ व तिस्उन नाजा वलिय नाजतु वाहिद फकाल अक्फिलनीहा वअज्जनी फिल खिताब। 23वां पारा है, हजरत सुलेमान की 99 बीवियां। कितनी बीवियां? हजरत सुलेमान अला नबीना वाले इस्लाम की 99। और सुलेमान को तुम अपने नबी मानते हो, तो तुम जब अपना नबी उन्हें मानते हो तो तुम अपने नबी को नहीं देखते? हमारे नबी ने तो नौ ही की, तुम्हारे नबी ने तो 99 की, तो बताओ किसने ज्यादा कर ली? और जो तुम इल्जाम लगाते हो, ये इल्जाम हमारे नबी पे लगने चाहिए माजल्ला, या तुम्हारी तरफ लौट के जाना चाहिए? और हजरत सुलेमान पे तुम लगाओगे इल्जाम? जालिमो, तुम अगर उन्हें मानते हो तो हम भी तो अल्लाह की कसम उन्हें नबी मानते हैं। अरे हमारे लिए सब मोहतरम है, हमारे लिए सब सम्मानित है, हमारे लिए सब रेस्पेक्टेबल है, हम सबको रेस्पेक्ट करते हैं, आदम से लेकर ईसा तक। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, ला नुफर्रिकु, हम किसी रसूल किसी नबी के दरमियान फर्क नहीं करते, हम सबको मानते हैं। जनाब वाला वो खामोश हो गया, मगर जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, शादियों की बात करने वालों और मुस्तफा जान रहमत की लाइफ को सेक्स से जोड़ने वालों, मेरा नबी शादी करने नहीं आया। अगर वो शादी करता तो शादियों के चलन हम देख रहे हैं, 25 साल का लड़का 24 साल की लड़की से निकाह करता है, 25 साल का लड़का 22। हम खुद बाप हैं, हम अपनी बेटियों के निकाह, हम अपने बेटों के रिश्ते ढूंढने जाते हैं, तो हम माँ और बाप दोनों गौर करते हैं, लड़की की उम्र कितनी होगी? हम आपस में बातें करते हैं, लड़की की उम्र कितनी होगी? तो हमारी बीवी कहती है लड़की की उम्र यूं ही 22 साल की होगी। तो हमने कहा ठीक है 22 साल ठीक है, हमारा बच्चा 25 साल का है तो लड़की कम से कम 22 साल की होनी चाहिए। तो जनाब वाला फिर दूसरी बार बात करते हैं कि लड़की की उम्र कितनी होगी, दूसरे बेटे के बारे में लड़की की उम्र कितनी होगी? कि लड़की की उम्र कुछ ज्यादा हो गई, 27 साल होगी। अरे हमारा बच्चा तो 24 साल का है, 27 साल की लड़की? ना 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 ना, ये नहीं करेंगे, ये रिश्ता हम नहीं करेंगे, लड़की की उम्र कुछ ज्यादा है, ये जोक सही नहीं है। ये हम आपस में फैसले करते हैं या नहीं करते? तवज्जो है, 25 साल का लड़का 24 साल की लड़की चाहिए, 25 साल का लड़के को 22 साल की लड़की चाहिए, होनी चाहिए चलन के मुताबिक।